हाल ही में शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन की मौत की खबरें सामने आई। कुछ मीडिया हाउस ने यह खबरें चला दी कि अध्ययन सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस खबर पर अध्ययन के पिता शेखर सुमन ने कड़ी नाराजगी जताते हुए मौत की खबरों को गलत बताया और फेक खबरें छापने को लेकर मीडिया हाउस को फटकार लगाई। वैसे इससे पहले भी अनगिनत कई बार बॉलीवुड स्टार्स की मौत की फेक खबरें सामने आ चुकी है। नजर डालते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज पर जिनकी मौत की अफवाह कई बार उड़ चुकी है। 97 साल के दिलीप कुमार जब जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तब तब उनकी मौत की अफवाह उड़ जाती है। दिलीप कुमार कई बार सांस की तकलीफ निमोनिया के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। जब जब उनके खराब स्वास्थ्य की खबरें सामने आई है उनके फैन सलामती की दुआ मांगने लग जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप कुमार अब किसी को पहचान भी नहीं पाते, यहाँ तक कि बीबी सायरा बानो को भी नहीं। वह फिर चल नहीं पाते और न ही बोल पाते हैं, उन्हें बाथरूम में लाना मुश्किल हो जाता है। साल 2013 में एक वक्त वैसा भी आया जब कादर खान की मौत की अफवाह फैल गई थी। कादर खान अपनी मौत की खबर से इतना घबरा गए थे कि उन्होंने खुद सोशल मीडिया के सामने आकर अपनी मौत की अफवाह को गलत बताते हुए कहा था कि वो अब भी सही सलामत हैं। कादर का कहना था कि इस अफवाह से उनके परिवार वाले में भी काफी परेशानियां का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी कई बार उनकी मौत की अफवाह उड़ी थी, लेकिन 81 साल की उम्र में अफवाह सच साबित हुई और कादर खान की मौत हो गई। कादर खान प्रोग्रेसिव सुप्रानुक्लियर पाल्सी डिसऑर्डर की पीड़ित थे, जिसके कारण दिमाग में परेशानी हो गई थी और वह कोमा में चले गए थे। उनका अंतिम संस्कार कनाडा में किया गया था जहां उनका इलाज चल रहा था। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की भी इंटरनेट पर कम मौत की अफवाह नहीं उड़ी है। एक बार यह अफवाह उड़ा दी गई थी कि अमेरिका में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है, लेकिन यह बात कोरी भी अफवाह हुआ। बिग बी ने इन अफवाहों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन उनके फैंस इससे जरूर चिंता में आ गए थे। स्वर सामग्री लता मंगेशकर को भी एक बार अपनी मौत की खबरों पर सफाई देने पड़ी थी। उन्होंने लिखा था, नमस्कार, मेरी सेहत से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान ना दें, भगवान की दया से सब ठीक है। इसके बाद पिछले साल सीने में संक्रमण और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें जब 11 नवंबर को मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था तब भी मौत की अफवाह उड़ने की सिलसिला चल पड़ा था। लेकिन 20 दिन बाद जब जिंदगी और मौत के साथ जूझने के बाद 90 साल की लता जी स्वस्थ होकर वापस अस्पताल पहुंची तो सभी लोग चौंक गए। वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की मौत की खबर उड़ी थी जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। 72 साल की मुमताज ने कहा था, मैं एकदम ठीक हूँ, अभी जिंदा हूँ, मुझे खुशी है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है, क्या यह मजाक है, पिछले साल इसने मेरे परिवार को हिला कर रख दिया था, सभी ने मुझे फोन करने पर मजबूर हो गए थे, मेरे चाहने वाले दुनिया के अलग अलग कोनों से अपने संतावना और संवेदना जागिर कर रहे थे, मुझे भी बहुत परेशानी होती है। इस साल मेरी बिटिया, नाती नतनी, दामाद, मेरे पति सभी यहाँ लंदन में हैं। जाहिर तौर पर दुनिया भर में मेरे और भी रिश्तेदार हैं जो खबर पढ़कर चिंता में पड़ गए थे, मुझे क्यों मारना चाहते हो, जब वक्त आएगा तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। मुमताज को साल 2000 में ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उन्होंने इससे जंग लड़ी और अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे लंबे वक्त से लंदन में रह रही हैं। 2015 में शक्ति कपूर की मौत की अफवाह ने भी सभी को झकझोर कर रख दिया था। तब एक व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था जिसमें कहा गया था कि शक्ति कपूर की खंडाला जाते वक्त एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। इस पर शक्ति ने रिएक्शन देते हुए कहा था, क्या कुल है, हम तीन का बैकॉक शेड्यूल खत्म होने के बाद घर लौट गए हैं, दोस्त मुझे कॉल करने लगे और मेरी आवाज़ सुनकर रोने लगे, डेविड धवन और रूमी जाफरू भी चिंतित हो उठे, मैंने लोगों को बहुत समझाया कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तब जाकर सबकी जान में जाना। 2014 में रोड एक्सीडेंट में हनी सिंह की मौत की खबरें भी हलचल मचा दी थी। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर जमकर वायरल हुआ था जिसमें हनी सिंह की एक तरफ एक युवा जो कि अस्वस्थ नजर आ रहा था उसमें दावा किया जा रहा था कि हनी सिंह की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। बाद में पता चला कि हनी सिंह सुरक्षित हैं और वह तस्वीर उन्हीं के गाने बिग ब्री बैक का एक स्नैपशॉट हुआ है।
तो इस तरीके की तमाम अफवाह हम आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और तमाम सोशल मीडिया यूजर्स धड़ल्ले से इस प्रकार के चीज़ों को बिना सोचे समझे, बिना जस्टिफाई किए हुए, बिना वेरीफाइड किए हुए शेयर करते हैं, जिसके वजह से सेलिब्रिटी को भी तो परेशानी होती ही है, उनके चाहने वालों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं इस वीडियो से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग बिना जांच पड़ताल किए, बिना सख्त सबूत के साथ, बिना वेरीफाइड किए इस प्रकार के खबरों को न फॉरवर्ड करें और दूसरों को भी इस प्रकार के खबरों को साझा करने से मना करें। रिपोर्ट्स, न्यूज़ स्टोरी इंडिया।